शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। भाई सब पटाखे से लाने हैं, जिसका सो जाओ गांव तलेगा सैल। पटाखे कैसे लाने हैं, जिसका खुड़का जाओ गांव तलेगा सैल। अरीब की दीवारी होगी गंदा ही जहर है। ये लड़के से बात हो तो एक बम ले ले। भाई इस पटाखे का सो गांव से लेकर सैल तक तो नहीं जाएगा। मैं पागल देख देखिए क्या है, एक रुपया पानी बम तो एक के दो मिला है। एक रुपया पानी बम इसका खुड़का कितना हो गया है, 30-40 मीटर। तो हम इस पटाखे को गांव के लास्ट घर के पास से बजा देंगे तो उसका खुड़का कहाँ तक जाएगा, शहर के पहले घर तक जाएगा। तो गया गांव से लेकर शहर। ये सही था गुरु, मेरे को दिमाग लगाया गया यार। अरे एक बात और तो बताऊँ, वो है ना काला का छोरा है, काला का छोरा जिंदा पकड़ना है। अच्छा भाई तूने एक बात कभी रहा है ना, नहीं पता तो सुन मेरी बात। सुना आज तेरा भाई ने इतने पटाखे फोड़े कि पटाखे भी करने लगे। छोड़ दे यार जान ले होगा तो मेरी सुनी। हाँ सुना, मैं दिल्ली जा रहा था, इतने पटाखे लाया बस पूछ मत। मैं तो पूछूंगा भाई, पूछा तो सुन, इतने पटाखे लाया कितने ये के है कुरकरे हैं को नहीं पटाखे है। ओ यार इतने पटाखे पहले बार देखे ना तो थोड़ा शौक सा लग रहा मुझे। ओ कोई ना कोई था आधा दाम ले अपना भाई, इतने और पटाखे और लाएगा। वैसे भाई तुझे इतने पटाखे लाने में इतना टाइम लग गया, तू इतने पटाखे इकट्ठा करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इतने बस इसमें तो लगभग 2030 तक हो जाओगे भाई। तू इन पटाखे के लड़ रहा है, मचा लिया ठीक है, मचा लिया बस। अरे भाई पटाखे तो बदलवा दे यार, इतने पटाखे कैसे हैंडल करूंगा मैं। कोई ना गया तो गया, आधे पटाखे अब बजाऊंगा और आधे अगली दिवाली। और बच्चों ये पटाखों का क्या करोगे, बच्चों ये वाले को बजाऊंगा। हां यार वो था, ओ अभी ये वो है ना। हाँ वो है भाई, भाई मैंने सुना इसके पापा इसके पटाखे कौन लेने देंगे। और यार कितनी बुरी किस्मत है इसकी। और यार इतने रुपये लेकर किस जाओगे, रहना तो इस दुनिया में है। और मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है ये इनका असली बेटा है भी या नहीं। ओ देख यार तू थोड़ा सोच, अगर तू असली बेटा होता तो तेरे पटाखे दबाओ ना। और यार ईसा भी नहीं है इनके घर के गरीब है। बेटा देखे कुत्ते जैसे सगल और गड्ढे जैसी अकल से रहने दे यार, मैं जाऊं। सुने अभी जब तक टिकट के पटाखे नहीं दुआ हो तो क्या करो रे, मांग लेता यार रे जमना करते हो तो दुआने भाई पटाखे ले रहा था घर के से लड़ाई क्यों ना करने पड़े। अब सोच क्या रहा है ज्वाला जगा अंदर जैसे वो गरम कढ़ाई, जा मांग ले बाप से पटाखे चेक करनी पड़े क्यों ना लड़ाई। पापा ओ पापा बाल लगा दे एक जवाब दे कि बताई सगी उदार ढूंढ के नी। अरे क्यों होगा वो लगा था तो थारी बात जगी, तू आया था जब तो मैंने बजाई थी। मैंने मेरा था पहले दिन तो मेरा था, बता जो मैंने बता मेरा था मेरा था। यहाँ बेटा यहाँ पे तेरे को बताता हूँ असली माँ बाप कौन है, माँ बाप कौन है यहाँ पे सारे। और एक्टिंग कम कर ले ऐसे ही बता क्या चाहिए। पापा मुझे पटाखे चाहिए बस इतने से बात न, 10 रुपये धनिया पटाखे। पापा ये क्यों हो गया, दे दो दिए मुझे 10 के दिया जा रही पटाखे चाहिए। क्या 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 बोला तू, मुझे जा रही पटाखे चाहिए। अच्छा जा रही पटाखे चाहिए। देखो पापा सही से साफ हो गई ना, देखो वहां पे भी लगा हुआ सही से साफ कर, ये तो और साफ करना तुझे। पापा सही से साफ कर ले वरना फिर
पटाखे।